हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सेल्फ स्ट्रेट हेयर कट कैसे करें, तो उसका पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग की वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लुक पे मत जाइएगा, मैंने जैसे कि अपने ब्लॉग में बताया ही है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से मेरा लुक कुछ ऐसा है। तो ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, कंसीलर है ये, ऑल स्किन शेड का है। तो देखते हैं कैसा है, मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में अभी, मैंने फर्स्ट टाइम ये मंगाया है। जैसे अलग अलग कंसीलर मंगाने से क्या होता है कि सारी सेट्स की नहीं मिल पाती हैं और कितना सारा ख़रीदना पड़ता है। ये एक ही पैलेट में आपको चार पांच सेड का कंसीलर मिलेगा। तो चलिए ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कैसा है इसमें। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, तो ये कुछ ऐसा निकला है। अभी मैं कटिंग भी समझाऊँगी। इसको ऐसे ओपन करना है, मुझे इसका ये जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है बजाने में, तो इसको निकाल लेते हैं। वाव, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी। इसके अंदर एक और ऐसा दिया हुआ है और स्विस ब्यूटी का सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, वाटरप्रूफ हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हो, एचडी मेकअप लुक चाहते हो, तो आप ये सारे ले सकते हो। वाव, आप देख सकते हो इसमें ऑल शेड है, मीडियम, लाइट, बिल्कुल मिल्की वाइट लोगों के लिए है। उसमें कलर करेक्टर भी दिया हुआ है। तो ये सारी मैंने मंगाई है, बहुत अच्छा है। मुझे ये मिला है, इसका प्राइस 290 रुपये में मुझे ये मिला है। मैंने 290 में ऑर्डर किया था, बाकी इस पर 450 रुपये प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग को ना दिख रहा हो, लेकिन ये मुझे 290 में मिल गया क्योंकि ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने ऑफ़र में लिया था। और स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आप लोग को हेयर कट के बारे में। तो हेयर कट, जैसे आपको अगर खुद से अपना स्ट्रेट हेयर कट करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले अपनी बीच की मांग निकाल लीजिए। आप दूसरे लोगों का भी करते हो तो बीच का ही मांग निकालते हो। वैसे मैंने बहुत सारी हेयर कट की वीडियोज हैं मेरे चैनल पे, तो इस तरीके से बीच की मांग निकालेंगे। मैंने सेटिंग स्प्रे भी मंगाया है, जिससे मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया था, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखा दूंगी। और बहुत ही अच्छा है सेटिंग स्प्रे, जैसे आप हेयर को रखना चाहो वैसे रह जाता है। तो इस तरीके से बीच की मांग निकालने के बाद से अच्छे से कॉम करना है। ओके, एकदम सेंटर में यहाँ पे टाइट पोनी टेल बना लेनी है, रबर बैंड लगा लेना है यहाँ पे। इस तरीके से आप कट करोगे तो आपके बाल एकदम स्ट्रेट होंगे और थोड़े से भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एकदम बीच में सेंटर में एकदम यहाँ पे रबर बैंड लगा लोगे। उसके बाद से आपको जहाँ से कट करना है हेयर, जैसे जितनी लेंथ रखनी है और जितना स्ट्रेट रखना है, एक और रबर बैंड लो, थोड़ी सी दूरी पे छोड़ के इसको भी लगा लो। ओके, टाइटली लगाइएगा ताकि आपके हेयर इधर उधर ना हो। ओके, ऐसे लगाने के बाद से आप रबर बैंड को खींच लो जहाँ तक आपको हेयर को कट करना है। ओके, इस तरीके से, और इसको आप आगे करके जितना हेयर कट करना हो उतना ऐसे करके कट कर दोगे। मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ आज, हम लोग कट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप रबड़ के ऊपर से चाहे नीचे से कहीं से भी कट करके आप हेयर को ओपन करोगे, आपके हेयर बिल्कुल स्ट्रेट कटेंगे और कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। तो मेरे हेयर पहले से ही स्ट्रेट कट मैंने बताया था, बट मैंने दूसरे तरीके से बताया था, लेकिन ये वाला तरीका एकदम परफेक्ट है। तो आप इस तरीके से कट जरूर करना और आपको एकदम परफेक्ट स्ट्रेट हेयर कट मिलेगा। वैसे मैं अपना हेयर भी दिखा देती हूँ आपको, मेरा वैसे ही स्ट्रेट हेयर कट है। तो मैं अपना हेयर कट लगभग खुद से ही करती हूँ और अच्छे से हो भी जाता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम सेल्फ स्ट्रेट हेयर कट के बारे में समझाइए,
हाँ मैं कट भी करते रहती हूँ हमेशा, तो आप लोग को उसकी भी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ओके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, मैं हेयर कट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सिर्फ हेयर कट की ही वीडियो रहेंगी। बाकी ब्यूटी पार्लर कोर्स, हेयर स्टाइल एंड कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग का प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और बहुत सारी हेयर कट की वीडियो है गाइस, सेल्फ हेयर कट की भी है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो और अच्छे से समझ में आया हो, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। और बहुत जल्दी आप लोग को मेरा न्यू हेयर कट लुक देखने को मिलेगा। अभी तो मेरा हेयर पूरा अच्छे से स्ट्रेट है, आपने देख ही लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, इंस्टा पर फॉलो कर लेना गाइस, इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। तो वहाँ पे आप लोग को मेरी रील्स वीडियोज काफ़ी अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये आप मंगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने चेक करके नहीं दिखाया, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, इसे मेरे सेट का कौन सा है उसके हिसाब से। बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत ही अच्छे प्राइस में। मेरा शेड ये वाला है जो कि एकदम लाइट है, वाह बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा ये हो गया। मेरा शेड है यही है, और बहुत अच्छा सा शाइनिंग सा लुक देगा और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसमें ऑल स्किन टाइप का कंसीलर दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ये अच्छे से भी ब्लेंड होने में भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मुझे भी सपोर्ट करते, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस।